नमस्कार दोस्तों, आज हम नेशनल हाईवे NH 28 पे खड़े हैं। ये देमा चौराहा के पूरब किया पेट्रोल पंप के सामने खड़े हैं। यहाँ पर हमारे सरदार जो है यहाँ पर खास सेवा किया जा रहा है और यहाँ पर पानी की स्टॉल, बिस्किट, खीरा और भी तमाम खाद्य सामग्री जो खाने पीने की है वो वितरित किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए लगातार तड़के जो भी आ रहे हैं, यहाँ पर पैसेंजर बैठ करके मजदूर प्रवासी उनको वितरित किया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये अभी आप देखिए देखिए आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सराहनीय इस अपार स्थिति की घड़ी में बांटा जा रहा है और अभी से जानकारी एक दिन इन्होंने मोहनघाट चौराहा पर भी बांटे हैं, दो दिन पहले कल भी वहां पर इनका प्रोग्राम लगा था और यहां पर कब से कर रहे हैं ये हमें भी जानकारी प्राप्त करते हैं। सर जी आप लोग इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, धन्यवाद है। सर जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर जी, ये हमारे बड़े भाई साहब अजीत सिंह जी हैं, मुंडरवा के रहने वाले हैं। ये दो दिन तीन से यहाँ सेवा कर रहे हैं, गरीब मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं सबको पानी और भंडारे की सेवा कर रहे हैं। आज इन्होंने रेलवे मुंडरवा रेलवे स्टेशन पे दो ट्रेनें खड़ी हो गई थी जो गोरखपुर से दिल्ली जा रहे थे, तो पूरी ट्रेनों में भी इन्होंने सेवा किया। फिर हम लोग यहाँ भी तक कर, हम पुरानी बस्ती से हैं, हम लोग मोहनघाट की सेवा करते हैं। पूर्वांचल आला मशीन अध्यक्ष हैं हम, सेवा सोसाइटी हमेशा जो इस तरह के सामाजिक कार्य में हिस्सा हैं। यहाँ ये काम 3 दिन से शुरू हो रहा, बाकी हम लोग 25 तारीख से इस काम में लगे। मतलब शहर में जगह जगह पे मतलब अलग अलग दिन अलग अलग जगह करते हैं कि एक ही जगह कार्यक्रम करते हैं? अलग अलग जगह पे कार्य करते हैं, तो क्या इसके लिए आप कोई ग्रुप वगैरह तैयार किए हैं अलग अलग? अकेले आप कहाँ कहाँ पे सेवा दे रहे हैं? पेट्रोल पंप है यहाँ पर, 3 दिन से चल रहा है कार्यक्रम। 3 दिन जी। तो साथियों देखिए इस तरीके से आप लोगों के द्वारा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे बस्ती जिले से लेकर के फरीदाबाद, संत कबीर नगर में सारी जगहों पे आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। डेली के डेली आप लोग जो है हर जगह पे जगह जगह पहुंच करके चौराहे पर पहुंच करके इस तरीके से वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए यहाँ पर हम कुछ जानकारी है जो आप लोगों के द्वारा जो है इस तरीके से जो है दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम निरंतर अनवरत हमें एक जानकारी आप लोग दी है, ये आप लोग कहाँ से आ रहे हैं बस से? अच्छा, तो बस में आपको खाने पीने की व्यवस्था, बस में आपको खाने पीने की व्यवस्था बनी है या नहीं? सबसे बड़ी बस में कितने पैसेंजर हैं? आइए मैं किसी और पैसेंजर से किराया भाड़ा या खाने पीने की व्यवस्था वहाँ बना के आप बताइए भाई, आप नौयुवक हैं, आप पानी भी मिला था, बताइए कुछ इसके बारे में। कितने लोग पैसेंजर हैं इसमें? चलिए यहाँ पर 35 पैसेंजर जानकारी मिल रही है। ये बस गाजियाबाद से निकली, गाजियाबाद से सहारनपुर कहाँ जाएगी? देखिए सहारनपुर से निकली है, कुशीनगर पे बस जाएगी। यहाँ पर हमारे बस्ती के जितने भी समाज सेवी, यहाँ देखिए
ये सब बहुत ही सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी से इनका ताल्लुकात नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी दल के ये सदस्य हैं, ये लोग समाज के लिए समर्पित हैं। ऐसे कार्य दो दिन पहले मुठघाट चौराहे पर स्टॉल लगाकर किए हैं और कल भी किए थे, और यहाँ पर तीन दिन से कार्यक्रम चल रहा है। ये टेमा चौराहा बस्ती के पूरब पड़ता है, वहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूरी पे है, और यहाँ पर ये देखिए पेट्रोल पंप है, इसी जगह काम कर रहे हैं हम लोग। जब हम लोगों का नहीं है ना कोई तरह का प्रचार प्रसार है, हमारी भावना है केवल सेवा करनी, जैसे गुरुद्वारों में लंगर बट रहा हर जगह हर बड़ी शहरों में, इसलिए यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम लोग लगे हैं जो भी गरीब लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें वो करें। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको।